सो हाई गाइज, हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टेक्निकल सिविल। आज तकरीबन तीन चार दिन के बाद DRCS की इस लाइव के अंदर हम क्लास को शुरू कर रहे हैं, जिसका मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। और कुछ रीजंस थे, मैं आपको बताते रहा हूँ, मैं अपडेट करते रहा हूँ, ठीक है वैसे। और ज़रा एक पहले बताओ मुझे कि वीडियो लैग हो रहा है कहीं ना कहीं, शायद क्या हमारी स्ट्रीमिंग जो लैग हो रही है कहीं ना कहीं, मेरी आवाज़ आप सभी को आ रही बराबर? ज़रा मुझे पहले ये क्लियर करवा दो, उसके बाद अपन जो है हाय हेलो बाय गुड इवनिंग वगैरह सब करते हैं। तो पहले मुझे ज़रा ये बताओ कि वीडियो कहीं लैग तो नहीं हो रहा है या फिर आवाज़ में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि मुझे ऐसा इधर से लग रहा है शायद वीडियो लैग हो रहा है कहीं ना कहीं शायद। इज़ देयर एवरीथिंग ओके? ऑल गुड, ठीक है, चलो। लैग हो रहा है, हाँ मुझे लग रहा था लैग हो रहा है कहीं ना कहीं, कुछ ना कुछ लैग हो रहा है, ठीक है। खैर जो भी है, तो सभी को हाय हेलो गुड इवनिंग, और कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप जो भी कर रहे हो बिल्कुल बेहतरीन कर रहे होगे, ग्रेट कर रहे होगे। वीडियो नहीं आ रहा सर, तो एक बार रिफ़्रेश कर लीजिए। जिसको वीडियो दिखाई नहीं दे रहा है वो अपने यूट्यूब को एक बार रिफ़्रेश कर लो, फटाफट जल्दी करो रिफ़्रेश कर लो ताकि हम आगे बढ़े। हाँ वीडियो रुक रहा है, वीडियो रुक रहा है, तो अब एक ज़रा जो है लैग मैच नहीं हो, ऑडियो और वीडियो मैच नहीं हो रहा है। जो भी आपके सवाल है वो हम लेंगे, आपके सवालों के जवाब देंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ी नेटवर्क कनेक्टिविटी के प्रॉब्लम की वजह से शायद ये हो रहा है। आई थिंक जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क का ही कोई प्रॉब्लम हो सकता है। क्वालिटी तो बढ़िया है, ठीक है, कोई बात नहीं, क्वालिटी ठीक है, लेकिन वीडियो लैग नहीं होना चाहिए जहाँ तक हो सके वहाँ तक भाई साहब, क्योंकि अगर वीडियो लैग होता है तो फिर प्रॉब्लम है, मज़ा नहीं आएगा फिर। तो अब बताओ आप कैसा लग रहा है वीडियो नाउ? ओके, एवरीथिंग ओके? चलो तो भाई साहब, आज जो है हम सभी को सबसे पहले हाय हेलो गुड इवनिंग, और ज़रा बताओ मुझे आप कैसे हो, सब कुछ कैसा चल रहा है आपका, पढ़ाई वगैरह। और माफ़ी चाहता हूँ मैं, क्योंकि हमने G+3 बिल्डिंग के अंदर सारे कंपोनेंट्स को डिज़ाइन कर लिया था, सिर्फ एक कंपोनेंट बाकी रह गया था और वो था हमारे पास डिज़ाइन ऑफ फुटिंग, ठीक है। फुटिंग की डिज़ाइन बाकी रह गई थी और कुछ काम के चलते मैं वो लाइव आ नहीं पा रहा था, इसलिए अब तक उसकी डिज़ाइन बाकी है, लेकिन अब से हम उसके शुरू कर देंगे। उसके अंदर हमें दो लेक्चर्स चाहिए पूरे, एक लेक्चर आज और एक कल का लेक्चर, ठीक है। तो दो लेक्चर चाहिए, दोनों के लिए हम क्या करेंगे, दोनों लेक्चर के अंदर हम डिज़ाइन ऑफ फुटिंग को ख़त्म कर देंगे, उसके बाद हम सीधे वाटर टैंक की ओर आगे बढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं, चलो खैर सब हम सवालों के जवाब दे देते चलो। और हाँ भाई साहब, अगर किसी ने अब तक अपना नोटबुक, बॉल पेन, कैलकुलेटर और IS 456-2000 नहीं लिया है तो फटाफट ले ली, तब तक मैं इन लोगों का सवालों का जवाब देता हूँ, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर सवाल पूछ रहे हैं, उनके जवाब हम दे देते हैं। तो मासी लियाकत, आइए आइए, स्वागत है आपका। सर आंसर प्लीज़, व्हाट इज़ द बेस्ट, रेविट या 3D Max? देखो 3D Max इज़ बेस्ट नाउअडेज, आई थिंक 3D Max बेस्ट है, 3DS Max और रेविट भी कोई ख़राब नहीं, रेविट की ऑप्शन में आप जा सकते हो। दोनों के कुछ ना कुछ थोड़े बहुत फीचर के अंदर थोड़ा बहुत फ़र्क है, बाकी सब ठीक है, ठीक है। चलिए, और यहाँ पर देव बेलवाल ने सवाल, इन सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लोड एट सेंटर हो तो सेंटर में शेयर फोर्स कितना होगा? सिंपली सपोर्टेड बीम ने अगर पॉइंट लोड सेंटर पर हो तो उसका, देखो उसका ये जो मैंने आप शेयर फोर्स के सवाल पूछ रहे हो आप मुझसे, चाहे वो शेयर फोर्स हो या बेंडिंग मोमेंट हो, आपके ये सारे बेसिक चीज़ें, बेसिक फंडे जो भी है, मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस के अंदर जो है मैंने आपको क्लियर करवा रखी है, ठीक है। तो मैं आपसे यही निवेदन करूँगा कि ये जो सारे कंसेप्ट आपके छोटे छोटे और बेसिक कंसेप्ट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो उन वीडियोज़ को एक बार देख लीजिए ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको बता दूंगा तो आपको शायद समझ में आए या ना आए, ठीक है। तो बेहतर ये है कि आप अच्छी तरह समझो उसे,
तो बेहतर रहेगा आपके लिए। और वो सारे वीडियोस मैंने आपके लिए ही बनाए हैं, तो आप जो है जो वहाँ पर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, देव एक बार मेरी बात आप सुन लीजिए और उन वीडियोस को ज़रा देख लीजिए ताकि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलो भाई, आप जो है हम बिना समय को गवाए, बिना टाइम को वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं और डिज़ाइन ऑफ फुटिंग की ओर शुरू करते हैं। ठीक है, देखो डिज़ाइन ऑफ फुटिंग किस तरह से की जाती है और कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ज़रा ये समझ लीजिए पहले। डिज़ाइन ऑफ फुटिंग के अंदर आपको करना क्या होता है, डिज़ाइन ऑफ फुटिंग के अंदर सबसे पहले और इनिशियल चीज़ आपको यही करनी होती है कि पहले ये जान लो कि इसके ऊपर लोड कितना आ रहा है। डिज़ाइन ऑफ फुटिंग के अंदर लोड कितना आ रहा है पहले ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उस लोड को निकालने के बाद, समझने के बाद, देखने के बाद हमें ये करना होता है कि भाई साहब उस फुटिंग की साइज अब क्या होनी चाहिए। ठीक है, फुटिंग की साइज मतलब क्या होती है कि भाई फुटिंग आपकी मान लीजिए ये इस तरह से आपकी एक फुटिंग है। ठीक है, बीच में ये इस तरह से एक कॉलम है आपका, तो ये जो उसकी लेंथ हो गई ये कितनी होगी। ठीक है, ये जो उसकी विड्थ हो गई ये कितनी होगी। ठीक है, और इसकी जो डेप्थ होती है आपको अगर बताऊं मैं, ठीक है, इसकी जो डेप्थ होती है ना, ओके, ये एक मैं रफली फिगर बताऊं तो ये जो उसकी यहां से लेकर यहां से डेप्थ कितनी है ये आपको पता करनी होती है, जो एज डेप्थ है ये कितनी है ये आपको पता करनी होती है। ठीक है, इन शॉर्ट ये सबसे पहले आपको जो चीज़ करनी है वो साइज को इसके फाइंड आउट करना है कि बी कितना होगा, डी कितना होगा, सब कुछ ये आपको निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा यही रहेगा। उसके बाद अगर ये सब निकल जाते हैं आपके, अगर ये सारे डायमेंशन वगैरह आपको फुटिंग के अंदर पता चल जाते हैं, देन वॉट वी हैव टू डू, वी हैव टू प्रोवाइड द रेनफोर्समेंट इन एक्स डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन। दोनों के लिए हमें अलग अलग से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने होते हैं। ठीक है, दोनों के लिए अलग अलग से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने होते हैं। रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दिया आपने, बाद में इसकी डिजाइन आपकी खत्म हो जाती है। ठीक है, तो यही बेसिक से दो, सबसे बेसिक और प्राइमरी स्टेप्स जो होते हैं वो यही दो है कि भाई पहले साइज को डिसाइड कर लो, साइज को निकाल लो, उसके बाद आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर दो। अब ये जो साइज निकालने का जो तरीका है, इसकी जो साइज ऑफ फुटिंग होती है वो निकालने का जो तरीका है, उसके अंदर कुछ अलग अलग स्टेप्स आपको फॉलो करने होते हैं। वो कौन कौन से स्टेप्स है उसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और उसके अंदर झांक कर देखते हैं डिटेल में कि कौन कौन सी चीजें उसके अंदर होती है जिससे आपको उसकी साइज पता चलेगी फुटिंग की, है ना। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका लोड वगैरह देख लेते हैं कि इसके ऊपर लोड कौन सा है। ठीक है, तो आपको पता होगा, मुझे उम्मीद है कि आपने पिछले सारे वीडियोस हमारे देखे होंगे, क्योंकि अगर पिछले वीडियोस आपने अगर नहीं देखे अब तक तो फिर ये आपके लिए बेकार है। आपको यहां से हो सकता है बहुत सारे डाउट या बहुत सारे कन्फ्यूजन हो, तो पहले से आप सभी से निवेदन करूंगा कि भाई साहब पिछले वीडियोस को अगर देखा है तभी इस लेक्चर को देखिएगा, वरना आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा इसके अंदर, है ना। चलो, तो डिजाइन डेटा सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई डिजाइन के अंदर लोड वगैरह कौन सा है, कौन सा लोड यहां पर आ रहा है। ठीक है, तो देखो लोड के अंदर अगर देखें हम, तो हमने अब देखा था कि जो कॉलम से लेकर जो टोटल लोड यहां पर नीचे आ रहा था, ठीक है, प्लिंथ तक, वो जो टोटल लोड था हमारे पास, ठीक है, वो कितना था हमारे पास टोटल लोड, टोटल लोड हमारे पास था 2325.8 किलोन्यूटन। ठीक है, ये हमारा फैक्टर्ड लोड था, ये हमारा क्या था, टोटल फैक्टर्ड लोड। लेकिन आपको क्या करना है, अब देखो आपको करना क्या होता है, यहां पर आपको फैक्टर्ड लोड फुटिंग के अंदर कंसीडर नहीं करना होता है। फुटिंग के अंदर जब भी आप उसका साइज निकाल रहे हो, जब भी फुटिंग की साइज को आप निकाल रहे हो, तो आपको फैक्टर्ड लोड नहीं बल्कि वर्किंग लोड को कंसीडर करना होता है। और वर्किंग लोड क्यों, क्योंकि जो फुटिंग का हमारे पास वेट होता है, ठीक है, फुटिंग का जो वेट होता है वो हमारे पास वर्किंग लोड का हमें 10% कंसीडर करना होता है। जो भी इसका एरिया निकलता है वो वर्किंग लोड के अकॉर्डिंगली ही निकलता है, ना कि फैक्टर्ड लोड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये फैक्टर्ड लोड हमारे पास था, तो इसको हमें वर्किंग लोड में कन्वर्ट करना होगा। अब वर्किंग लोड में जब कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे, तो कुछ नहीं भाई साहब, हमने जो 1.5 मल्टीप्लाई किया था तो वो फैक्टर्ड लोड में कन्वर्ट हो गया था, 1.5 डिवाइड करेंगे तो ये वर्किंग लोड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फटाफट मुझे इसका जवाब बताओ कैलकुलेट करके कि इसका वर्किंग लोड कितना आ रहा है, जल्दी कम ऑन, हरी अप जल्दी करो और मुझे वर्किंग लोड बताओ कितना आ रहा है, जल्दी करो, जरा कैलकुलेट करो फटाफट। इसलिए मैंने आपको पहले कहा था कि आप जो आ रहे हो वो जल्दी से जल्दी अपना कैलकुलेटर अपने साथ ले लीजिए और अपने पास जो अपना कागज कलम जो भी है वो ले लीजिए, IS 456 2000 साथ ले लीजिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, तो जल्दी मुझे जवाब बताओ। और बाकी जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स है, जो रेगुलर स्टूडेंट्स है, वो अभी दिखाई नहीं दे रहे मुझे कहीं ना कहीं। खैर, जो भी आए हैं उन सभी का स्वागत करता हूं। और भाई साहब आए हो तो पढ़िए शांति से, और जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं उसी पढ़िए। ठीक है, तो ध्रुव सिंह 1550.53, सभी का आंसर आ रहा है, ये सभी का आंसर आ रहा है। दूसरा कोई है जो कैलकुलेट कर रहा है, और कोई है जो कैलकुलेट कर रहा है इसे, क्योंकि एक बंदे के जवाब देने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, मतलब होता है पर
अक्षय का, अच्छा ठीक है आपने यस में पूरा शॉर्ट आउट कर दिया, अच्छी बात है, चलो खैर जो बात जो भी है। तो ये 1550.53 या 55 जो भी आपका आंसर आ रहा है, ठीक है, ये किलोमीटर में आपका इतना आंसर आ रहा है, ये आपका वर्किंग लोड है, आपका ये क्या है वर्किंग लोड है, ठीक है। अब देखो क्या है ना कि आपको सबसे पहले मैंने कहा था आपको कि साइज ऑफ फुटिंग निकालनी होगी, ठीक है। तो साइज ऑफ फुटिंग में मतलब क्या है कि भाई ये आपकी अगर फुटिंग है, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम डी मान लेते हैं, अभी मान के चलते हैं, ठीक है, ये बी है और ये डी है। अब ये भी हमें पता नहीं है, हमें ये भी पता नहीं है, ठीक है, हमें दोनों पता करने हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले करना क्या होता है, एरिया ऑफ फुटिंग निकालना होता है, हमें क्या करना होता है, सबसे पहले एरिया ऑफ फुटिंग हमें निकालना होता है, ओके। अब एरिया ऑफ फुटिंग किस तरह से निकाली जाती है, तो एरिया ऑफ फुटिंग निकाली जाती है टोटल लोड ऑन फुटिंग, टोटल जो भी ऊपर से वर्किंग लोड आ रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग द सेल्फ वेट ऑफ दिस फुटिंग, डिवाइड बाय सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी, ठीक है। तो ये वर्क मतलब टोटल वर्किंग लोड डिवाइड बाय एसबीसी, ओके। अब ये एसबीसी क्या, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल वर्किंग लोड क्या है हमारे पास। तो ये तो हमारे पास वर्किंग लोड था, लेकिन अब इसके अंदर क्या करना है, 10% ऐड करना है इसका फुटिंग का सेल्फ वेट, क्योंकि फुटिंग का खुद का कुछ वेट होगा, कुछ वजन होगा उसका, तो हमें 10% इसका ऐड करना होता है। कितना ऐड करना होता है, 10% इसका ऐड करना होता है, मतलब ये कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा, ठीक है, ये 155 हो जाएगा ऐड करने के बाद। तो यहां पर जो टोटल लोड हमारे पास आएगा, टोटल लोड कितना आ रहा है हमारे पास, टोटल लोड हमारे पास आ रहा है भाई साहब 1705.5 किलो न्यूटन, ठीक है, ये आपके पास टोटल लोड यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो टोटल लोड की जगह आपको क्या रखना है, 1705.5 डिवाइड बाय, अब एसबीसी क्या है, सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी जो है वो आपको सवाल में दे रखी है कि जहां पर आप बिल्डिंग अपनी बना रहे हो G+3, उसकी जो बेयरिंग कैपेसिटी है वो हमें दे रखी है 200 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप सभी को याद है ना ये बेयरिंग कैपेसिटी क्या थी हमें, आपने अगर सवाल लिखा होगा तो आप सभी को याद है, ठीक है, तो याद होना चाहिए मतलब। तो ये 200 हमारे पास इसकी वैल्यू है, इसको डिवाइड करो भाई साहब, इसको डिवाइड कर अगर करोगे तो इसकी जो एरिया निकल कर आएगा वो 8.53 मीटर स्क्वायर के अंदर आएगा। कितना आएगा, 8.53, ये जो रिक्वायर्ड एरिया, ये क्या है वर्किंग लोड के हिसाब से, इतना रिक्वायर्ड एरिया आपको है, इतना एरिया होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए एरिया, जो भी आप इसकी साइज डिसाइड करोगे, ठीक, तो उसका जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये आपके पास एक क्राइटेरिया आ गया है। अब भाई बात करते हैं बी और डी की, कि किस तरह से बी और डी हम निकालेंगे। देखो बी और डी के लिए जरा एक आपको यहां पर खेल खेलना होगा, किस तरह से खेलेंगे चलिए उसके लिए जरा चर्चा करते हैं। अब हम जो लोग नए हैं मैं उनसे ये गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा भाई साहब, ताकि आपको और इस तरह से वीडियोज हमारे देखने को मिले और लाइव क्लास अटेंड करने को मेरी नोटिफिकेशन आप तक आ जाए, इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। चलो तो क्या करना है आपको, देखो ये हमारे पास जो फुटिंग थी इस तरह से, ये हमारे पास क्या थी, ये फुटिंग थी, ठीक है, इस तरह से फुटिंग हमारे पास है। आपको पता होना चाहिए कि हमने जब कॉलम की डिजाइन की थी तो कॉलम की डिजाइन के अंदर जो हमने उसके साइज निकाली थी, कॉलम की कितनी थी, कॉलम की साइज कोई बताएगा मुझे, कॉलम की साइज हमने कितनी निकाली थी। अगर आपने क्लास को अटेंड किया होगा हमारे पिछले क्लासेस को तो आपको पता होगा कि कॉलम की डिजाइन हमने कितनी निकाली थी, जल्दी करो। शुभम कह रहे हैं कि सर आज क्लास अटेंड नहीं कर पाएगा पाऊंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी है आज आपको काम है कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, बाद में देख लीजिएगा, ठीक है, आज की जो क्लास है उसे बाद में फुर्सत से देख लीजिएगा, ओके। चलो हाँ नहीं 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 सुफियान आपका आंसर बिल्कुल गलत है, आपका आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है, मतलब आधा सही आधा गलत है। आधा सही क्यों है, क्योंकि 300 उसकी एक डायमेंशन बराबर है, लेकिन जो दूसरा डायमेंशन हमने निकाला था, जो दूसरा डायमेंशन हमने लिया था, कितना लिया था, वो हमारे पास जो कॉलम था वो था 600/300 का। कौन सा कॉलम लिया था हमने, फाइनल जो डिजाइन की थी हमने कॉलम की, ठीक है, उसके अंदर 600/300 का कॉलम हमने डिजाइन किया था, ठीक है, उसका क्रॉस सेक्शन इसके हिसाब से। तो 300 और 600 का कॉलम मतलब ये है 0.6 and 0.3, ठीक है, 0.6 and 0.3, ओके, ये हमने कॉलम, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, गलती होती है, इंसानों से होती है। चलो तो यहाँ पर क्या है, ये हमने कॉलम निकाला था। अब देखो हमें ये पता नहीं है, हमें ये पता नहीं है, हमें दोनों चीज़ें पता नहीं है, हमें सिर्फ कॉलम की साइज पता है। तो कॉलम की साइज को रेफरेंस में लेते हुए हम क्या करेंगे, कॉलम की साइज को रेफरेंस में लेते हुए हम क्या करेंगे, अब ये जो बाकी एरिया है उसे हम निकालेंगे, बाकी जो डायमेंशन उसे निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए आपको पहले करना क्या होगा, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो निकालना होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्यों निकालना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, पहले क्योंकि हमें पता है कि B इंटू डी क्या होता है, B इंटू डी टोटल एरिया होगा, मतलब 8.53 होगा, ये होता है एरिया, ठीक है, इसका एरिया कितना होगा, तो भाई B इंटू डी इज इक्वल टू डी, ये हमें पता नहीं है, ठीक है, ये हमें पता नहीं है, लेकिन इसका एरिया पता है हमें, ठीक है, तो B इंटू डी इज इक्वल टू 8.3 होगा, 8.53 होगा, ठीक है। अब देखो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले कॉलम को एज अ रेफरेंस बनाना होगा, और कॉलम को रेफरेंस बनाने के लिए आपको सबसे पहले इसके अंदर जो डिफरेंस है वो निकालना होगा, ठीक है। तो हमें यहां पर देखो कॉलम का जो B है,
कॉलम का जो बी है यहाँ पर, ठीक है, कॉलम के अंदर जो डिफरेंस, एक काम कीजिए, कॉलम के अंदर जो डिफरेंस है वो कितना है, तो यहाँ पर देख लीजिए 0.6 माइनस 0.3 डिफरेंस इसका, मतलब 0.3 इसका डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, कॉलम का डिफरेंस कितना आ रहा है, डायमेंशन का, ये डायमेंशन का डिफरेंस कितना आ रहा है 0.3, मतलब 0.6 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 0.3 आ रहा है, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि भाई साहब जो ये जो कॉलम था हमारे पास, ठीक है, हमारे पास पता है कि डी इज इक्वल टू क्या था, डी इज इक्वल टू हमारे पास 0.6 था, ये डी है, ठीक है, और ये बी है, ठीक है, तो ये डी जो हमारे पास था वो 0.6 था, तो हम कह सकते हैं कि डी इज इक्वल टू बी, हमारे पास बी जो कितना है 0.3 है, तो बी प्लस 0.3 हम कह सकते हैं, अगर b 0.3 है तो 0.3 प्लस 0.3 0.6 हो जाएगा ना, तो हम कह सकते हैं d इज इक्वल टू बी प्लस 0.3। ये आपको समझ में आ रहा है, थोड़ा सिंपल सा, छोटा सा, आसान सा मैथमेटिक है, मुझे भी नहीं आता है लेकिन मैं भी कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप भी कर लोगे, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, चिंता करना नहीं आपको, बस थोड़ा दिमाग लॉजिक लगाना, आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो क्या करना है, d इज इक्वल टू बी प्लस 0.3 ये इक्वेशन आ गया है, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने क्या, ये इक्वेशन हमने क्यों बनाया, क्योंकि हमें यहाँ से एक वैल्यू कोई भी निकालनी है, ठीक है, रेफरेंस से निकालनी है। अच्छा, वीडियो लैग हो रहा है क्या, क्या वीडियो लैग हो रहा है, शायद मुझे फिर से लग रहा है वीडियो लैग हो रहा है, चलो खैर जो भी है बताओ मुझे जरा रिप्लाई करके, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर d इज इक्वल टू बी प्लस 0.3 आ गया, तो ये जो d की वैल्यू है ये यहाँ पर रख दीजिए, ये जो d की वैल्यू हमने अभी निकाली है, ठीक है, ये इक्वेशन मुझे बनाया है रिलेशन एक बी प्लस 0.3 वाला, ये यहाँ पर रख दीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, उसे रखते हैं वहीं पर, तो चलो यहाँ पर क्या हो रहा है, बी इंटू ये क्या हो रहा है, डी की जगह हम क्या रखेंगे, बी प्लस 0.3, तो बी प्लस 0.3 इज इक्वल टू 8.53, ये इक्वेशन बनेगी इस तरह से, हमने यहाँ पर एक्सचेंज कर दिया इसको, ठीक है, यहाँ पर डी को बी प्लस 0.3 से एक्सचेंज कर दिया, ठीक है। अगर हम अब इसको मल्टीप्लाई कर दे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो ये क्या हो रहा है, बी स्क्वायर प्लस 0.3b इज इक्वल टू 8.53, ठीक है। अब ये देखो आपका रूप ले रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, इसके अंदर मैथ्स थोड़ा इसके अंदर आपको आना चाहिए, ठीक है। तो बी स्क्वायर प्लस 0.3b माइनस, मैंने इसको इधर ले लिया, ठीक है, तो 8.53 इज इक्वल टू 0, ये आपकी एक बन चुकी है, ये जो रूप इसको मिला है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूप इसे मिल चुका है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है, बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, सिंपल चीज है, आपको समझ में आता है ये, ये आपको सॉल्व करना आ जाएगा कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है, यस और नो, कितने लोगों को ये सॉल्व करना आएगा, यस और नो, जल्दी कम ऑन, हरी अप, गिव मी द आंसर, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कितने लोगों को सॉल्व, देखो इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस क्या होता है ये इसका फॉर्मूला, क्योंकि मेरा मैथ्स भी बहुत कच्चा है, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, ठीक है, सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको सिंपल लगाना है और इसके अंदर ये सारी वैल्यूज को रखो, आपको x की वैल्यू नहीं, इसमें से x की वैल्यू आपको 2 मिलेगी, इसमें से क्योंकि प्लस और माइनस है तो आपको 2x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये आपको, हाँ, सिद्धाचार्य फॉर्मूला, ठीक है, जो भी है, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि मैथ्स के अंदर अपन थोड़े वीक है पहले से, ठीक है, तो चलो ये आपको समझ में आ रहा है ना, ये सब कर लोगे भाई साहब, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से जो वैल्यू निकल कर आ रही है, एक्स की वैल्यू, वो दो निकल के आएगी, है ना, ठीक है, तो उसमें से हम एक वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं, एक वैल्यू यहाँ पर देख लेते हैं भाई, कि जो एक्स मतलब हमारा बी है, ठीक है, तो बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितनी हो रही है, वो यहाँ पर आ रही है 2.77, कितनी आ रही है, 2.77 मीटर की ये वैल्यू निकल कर आ रही है, ठीक है। तो इससे क्या करना है, हमें थोड़ा इसे राउंड अप कर देना है, 2.77 इज देन अकॉर्ड ऑड वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको, अब देखो माइनस, अगर आपको राउंड अप करना है इसे, तो 2.8 भी कर सकते हो, 2.9 भी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे इन्होंने जो हमारे पास जो बुक है, ठीक है, हमारे पास जो बुक है तो उसमें जो है 2.85 दे रखा है, ठीक है, वो पता नहीं कैसा राउंड अप किया इन्होंने, खैर जो भी है, तो कैलकुलेशन के अंदर ज्यादा डिफरेंस ना, इसलिए मैं यहां पर उसे 2.85 ले लेता हूं, ठीक है, राउंड अप करके। आपको क्या करना है, आपको ये कंफर्म नहीं करना है, ठीक है, मतलब आप 2.8 भी ले सकते हो, 2.9 भी ले सकते हो, मैंने ये एग्जैक्ट वैल्यू इसलिए ली है बुक के हिसाब से, क्योंकि हमें फिर कैलकुलेशन के अंदर डिफरेंस ना आए, ठीक है। चलो तो ये 2.85 हमने इसकी कैलकुलेट कर ली वैल्यू, इसके बाद में ये जो सारी चीज हम यहां पर कर रहे हैं अभी, इसका आगे एक चेक होगा, आपको बताऊंगा मैं वो चेक कैसा हो रहा है, ठीक है, कि हमने ये बी और डी बराबर निकाला नहीं निकाला, ठीक है। अब देखो बी हमारे पास आ चुका है, बी कितना है भाई साहब, 2.85, हमें ये इक्वेशन पता था, हमें इक्वेशन पता था कि डी इज इक्वल टू क्या था, डी इज इक्वल टू क्या था, बी प्लस 0.3 था ना, तो हमें डी यहां से मिल जाएगा 2.85 प्लस 0.3, तो ये डी की वैल्यू मिल गई हमें, डी की वैल्यू कितनी आ रही है, जल्दी करो कैलकुलेट करके मुझे आंसर दो इसका, कि डी की वैल्यू कितनी आ रही है, कम ऑन हरी अप, कैलसी में तो
निकलता है सर। ठीक है ठीक है, जो भी है, जो भी तरीका आपको सॉल्व करने का आता है उसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है फटाफट, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जे भी है तो सॉल्व कर लीजिएगा उसे, कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। ठीक है, जितनी हो सके मैं उतनी आपको मदद कर सकता हूँ, मैथमेटिक्स से थोड़ा कच्चा है अपन को। ठीक है, हाँ तो 2.89 सभी का आंसर आ रहा है भाई साहब। 2.89 कैसे आंसर आ रहा है आपका? 2.85 प्लस 0.3 3.15 शुड बी द आंसर। ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये 3.15 आपका आंसर है, मतलब आपको क्या है कि यहां पर देखो D और B दोनों मिल चुके हैं। आपको क्या मिल चुके हैं? D और B आपको दोनों मिल चुके हैं। ठीक है, आपके पास जो साइज ऑफ फुटिंग, हम देखें अगर कि साइज ऑफ फुटिंग कितनी हमारे पास है, तो साइज ऑफ फुटिंग कितनी हो रही है हमारे पास, तो B इंटू डी होता है। ठीक है, B इंटू डी होता है। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है हमारे पास, 2.85 B हमारे पास, 2.85 इंटू डी हमारे पास 3.15 है। ठीक है, ये हो रहा है। अब इसको जरा मल्टीप्लाई करो, नाउ इसको जरा मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करके देखो कि कितनी इसका टोटल एरिया, ये जो आ रहा है ये एरिया कितना आ रहा है, ये जरा मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कि ये जो एरिया है 2.85 इंटू 3.15 इसका एरिया कितना आ रहा है। इसका जो भी एरिया आ रहा होगा वो जो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया आया था, कितना था आया हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया, कितना था यहां पर हमने शायद मिटा दिया उसे। ठीक है, खैर जो भी है रिक्वायर्ड एरिया, एक मिनट मैसेज जरा रफ कर देता हूं। ठीक है, ये व्हाइट बोर्ड थोड़ा भरा भरा लग रहा है ना। चलो, तो रिक्वायर्ड एरिया हमारे पास कितना था, हमें जो रिक्वायर्ड एरिया था, एरिया रिक्वायर्ड ये था हमारे पास 8.53 था। ठीक है, मीटर स्क्वायर में। और ये जो कितना आ रहा है, फटाफट बताओ मुझे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू 8.97 या फिर 8.98 हम कह सकते हैं राउंड अप करके। ठीक है, तो 8.98 आ रहा है। ठीक है, मीटर स्क्वायर। तो देखो 8.98 हमने प्रोवाइड किया है, मतलब ये रिक्वायर्ड से ज्यादा है। रिक्वायर्ड हमें 8.53 है, हमने रिक्वायर्ड 8.9 किया है। ठीक है, मतलब प्रोवाइड हमने 8.9 किया है, तो ये रिक्वायर्ड से ज्यादा है। इसका मतलब जो हमने डाइमेंशंस यहाँ पे लिए है वो ठीक है, वो चलेंगे, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको। तो हमने क्या किया कि भाई इसकी जो बी है वो निकाल ली, डी हमने निकाल ली। अब जो उसका जो गहराई होती है, ठीक है, गहराई मतलब क्या होती है, गहराई किसे कहते हैं हम लोग, कि भाई ये मान लीजिए आपका फुटिंग है इस तरह से। ठीक है, ये जो फुटिंग आपका इस तरह से है। ठीक है, तो यहां से लेकर ये जो गहराई है इसे हम डेप्थ कहेंगे अब। ठीक है, इसको डेप्थ कहेंगे। तो ये डेप्थ आपको पता करनी है। ठीक है, ये डेप्थ आपको पता करनी है। तो ये किस तरह से पता करनी है, जरा इसके ऊपर हम आप एक कुश्ती लड़ते हैं। चलो, इतना आपको समझ में आ गया यहां तक, यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे, ताकि उसका यहीं पर हम हल निकालें और आपको समझा दे अच्छी तरह से। यहां तक सबको समझ में आ गया, यस और नो? और जिसको भी समझ में आ रहा है तो भाई वो इस लाइव स्ट्रीम को लाइक करना ना भूलें प्लीज। ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप जरा मुझे रिप्लाई कर दो फटाफट, पहले समझ आ गया। ठीक है, समझ आ गया। और कोई है जो समझ में आ गया, जो बताना चाहता है अपनी ख्वाहिश को, जो हमें समझ में आ गया है, जल्दी करो जरा फटाफट, ताकि हम आगे बढ़ पाए। और ये फुटिंग की डिजाइन बहुत सिंपल है। ठीक है, बस छोटे मोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको समझने हैं थोड़े बहुत, बाकी सब चीज बिल्कुल आसान है। ठीक है, हाँ वो देखो इकोनॉमिक और अन इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू अभी हम डिजाइन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम एक अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं, कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना है, उसकी डेप्थ को निकालना। अब देखो डेप्थ जब निकलती है उसकी, जब उसकी डेप्थ निकलती है ना, तो डेप्थ आपकी वहां से निकलेगी, क्योंकि यहां पर जो है दो डायरेक्शन हमारे पास है, एक्स डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे पास दो डायरेक्शन, जो भी हम ले गए यहां पर मोमेंट वगैरह, वो दो डायरेक्शन में लेंगे। मोमेंट के बेसिस पर जो है ये, मोमेंट के बेसिस पर आएगा। आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था पिछले कुछ वीडियोस के अंदर कि एक फॉर्मूला आपको दे रखा है SP16 या फिर हम उसे कह सकते हैं IS 456 1978। ठीक है, डिजाइन 8 जो है, तो उसका मैंने फॉर्मूला आपको बताया था 0.138 FC के BD स्क्वायर, 0.138 FC के BD स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला था। अब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है आपको, इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि दोनों डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आपको यहां पर MUX और MUY लेना होगा, सिमिलरली DX एंड DY लेना होगा। ठीक है, तो यहां से आपको दो डेप्थ मिलेगी। अब उन दोनों डेप्थ का कहां और क्यों इस्तेमाल होगा,
ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आपको ये जो फॉर्मूला है इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको सबसे पहले सारे जो यहाँ पर टर्म्स है, जैसे कि मोमेंट है, ठीक है, ये बी है, ये एफ सी, आपको सब कुछ पता है, लेकिन आपको डी, अब आपको डी यहाँ पर सब्जेक्ट बनाना होगा और डी की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पर मोमेंट पता होनी चाहिए कि यहाँ पर इस कॉलम की फुटिंग में मोमेंट कितनी क्रिएट होगी, ठीक है। तो और मोमेंट के लिए आपको जो है वहाँ पर लोड पता होगा, क्योंकि मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। चलो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको पता होगा एक चीज़ आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा कि जो न्यूटन थे उनका क्या कहना था कि कोई भी एक्शन हो तो उसको रिएक्शन मिलता है ना, कोई भी किसी भी एक्शन को क्या रिएक्शन मिलता है ना, तो ऊपर से जो लोड, अब ये जो हमारे पास एरिया ऑफ फुटिंग है, मान लीजिए हमारे पास ये जो एरिया फुटिंग आया, ये इतना हमारे पास एरिया फुटिंग था, ठीक है, ये हमारे पास मान लीजिए फुटिंग है, तो ये जो ऊपर से लोड लगा रहा तो नीचे से इसको अपवर्ड रिएक्शन लगेगा, अपवर्ड रिएक्शन लगेगा नहीं लगेगा, ठीक है। तो जो अपवर्ड रिएक्शन ये लगेगा, ये जो रिएक्शन लगेगा ये कितना लगेगा, और यही लोड हमें मोमेंट के अंदर कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो ये लोड हमें अब निकालना है, अपवर्ड जो लोड होगा वो कितना होगा, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, जो भी आपका अपवर्ड लोड है उसे हम स्मॉल पी से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है। और अपवर्ड लोड जो है, अब ये जो लोड हम कन्वर्ट कैलकुलेट करोगे तो उसके अंदर टोटल लोड बट वर्किंग नहीं, बल्कि यहाँ पर फैक्टर लेना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं ये, हाँ, अपवर्ड प्रेशर, हाँ जो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो अपवर्ड प्रेशर जो है इसके अंदर हम अब वर्किंग लोड नहीं लेंगे, अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, फैक्टर लोड जो हमने पहले निकाला था, ठीक है, वो हमें कंसीडर करना होगा, बिकॉज़ वी आर गोइंग टू डिजाइन फॉर दैट लोड, हम उस लोड के लिए डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, फैक्टर लोड हमारे पास कितना था टोटल, 2325.8, ओके, डिवाइड बाय जो भी एरिया, अब ये एरिया कौन सा लेंगे आप, तो देखो एरिया यहां पर हमारे पास दो आए थे, एक रिक्वायर्ड और एक प्रोवाइडेड, ठीक है। रिक्वायर्ड था 8.53 का, रिक्वायर्ड था कितना 8.53 का, और देखो हमने जो प्रोवाइड किया था वो 8.98 का था, तो हमें क्या करना है, प्रोवाइडेड एरिया यहां पर कंसिडर करना है, हमें कौन सा एरिया करना है, प्रोवाइडेड एरिया कंसिडर करना होगा, तो 8.98 ले लीजिए। अब इसको जरा कैलकुलेट करके बताओ मुझे कि ये लोड कितना आ रहा है, ये नेट अपवर्ड प्रेशर होगा, नेट अपवर्ड फोर्स होगा आपका, ठीक है, ये कितना आ रहा है, जरा फटाफट कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर के बटन दबाओ, घुमाओ और मुझे आंसर बताओ, जल्दी करो, तब तक मैं थोड़ा अपने गले को आराम दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद मुझे और एक ऑटोकेट की क्लास भी लेनी है, और अक्सर आजकल ऐसा हो रहा है कि मैं ये क्लास लेने के बाद फिर ऑटोकेट की क्लास को लेने के लिए कैपेबल नहीं हो पा रहा हूं, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा होती है मेरी यहां पर, बहुत कंटिन्यूस बोलता रहता हूं, तो थोड़ा थकान महसूस होती है गले के अंदर भी, इसलिए 258.99, ठीक है। तो सभी का आंसर आ रहा है भाई साहब, 258.99 सभी का आंसर आ रहा है, ध्रुव सिंह वेरी गुड, आपका आंसर बिल्कुल सही है, थोड़ा इसको राउंड अप कर ले अपन तो 259 हो जाएगा, ठीक है। और कोई है जो मुझे जवाब देना चाहेगा, कोई कैलकुलेट कर रहा हो तो कर लीजिए फटाफट, 259 वेरी गुड, 259 वेरी गुड, चलो खैर जो भी है अच्छी बात है, आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है, तो 259 है ना, 259 हो गया, इतना लोड है, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, ठीक है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में लोड है ये आपका टोटल, अब ये जो है यूडीएल के फॉर्म में, क्या है यूडीएल के फॉर्म में, ठीक है, ये क्योंकि ये नीचे से यूडीएल आपका लोड लगेगा, ठीक है, एरिया के अकॉर्डिंगली। तो अब ये आपको एरिया मिल चुका है, अब आपको क्या मिल चुका है, एरिया मिल चुका है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द मोमेंट, बिकॉज हमें मोमेंट के बेसिस पर ही डेप्थ को निकालना होगा, ठीक है, मोमेंट के बेसिस पर हमें क्या निकालना होगा, डेप्थ को निकालना होगा। तो देखो मोमेंट जो है उसके लिए आपको पहले तो ये पता करना होगा कि यहां पर mu x और mu y क्या है, ठीक है। तो देखो अब यहां पर जो है एक मैं फिगर आपको बना रहा हूं, ठीक है, दिखा रहा हूं बना के, अच्छा एक काम करते हैं इसको थोड़ा साइड में बना लेते ताकि उसको बाद में हम कैलकुलेट करें तो आपके नजर के सामने रहे, ठीक है, ज्यादा बड़ी नहीं बनाऊंगा, ओके चलो ठीक है। यह हमारे पास टोटल फुटिंग है हमारी, ठीक है, ये हमारे पास फुटिंग है, जो इसकी साइज थी वो कितनी थी, ये जो साइज है उसकी 3150, ठीक है, 31, अब आपके पास जो डेटा है उसके अंदर उसे रिलेट करते रहिएगा, ठीक है, 3150, और ये जो कितना है उसका साइज टोटल यहाँ से हाइट, ये आपकी 2850, ठीक है, यहाँ से ये आपको इतना समझ में आ रहा है, ये भी हमने ऑलरेडी निकाला है, ठीक है, इतना ये भी हमने ऑलरेडी निकाला है, ठीक है। इसके बीच में जो कॉलम है उसकी साइज के ऊपर भी ज़रा एक बार गौर कर लेते हैं, ठीक है, इसके ये जो कॉलम है, ये कॉलम की जो साइज थी वो हमें पता है 600 by 300, ये आपको कॉलम की साइज पता है, ठीक है, इतना आपको समझ में आ रहा है, ओके। और यहाँ से इस तरह से स्लोप है, ठीक है, ये स्लोप है इस तरह से, ठीक है, ये स्लोप आपको बताता है, ये क्या, ये लाइन क्या बताती है आपको, ये स्लोप बताती है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको करनी क्या है, मैंने आपको जैसे बताया था इसका सेक्शन इस तरह से मैंने आपको बताया था, ठीक है, ये स्लोप जो हमेशा इस तरह से प्रोवाइड किए जाते हैं, ओके।
तो ये जो मैंने आपको बताया था ना, ये क्या होते हैं, इसे हम ऑफसेट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, ऑफसेट। ऑफसेट क्यों माने जाते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर हम स्लोप देते हैं तो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है, जो इसकी जो ताकत होती है इसको सहन करने की, या फिर जो फेलियर होने के चांसेस जो होते हैं इसमें ज़्यादा होते हैं, यहाँ पर इसमें ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर कि भाई ऑफसेट प्रोवाइड कर देते हैं। ऑफसेट वहाँ पर उसे एक स्टेबिलिटी देता है, एक हम कहते हैं ना एक सपोर्ट प्रॉपरली प्रोवाइड करता है, जिससे वो पूरी तरह से नीचे ट्रांसफर हो सके या कर सके लोड को। ठीक है, तो ये ऑफसेट हम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये ऑफसेट हम फिलहाल जो है अभी 75 mm के कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, आप कर सकते हो 80, 85, 60, जो भी करना चाहते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑफसेट हम ले रहे हैं वो यहाँ पर 75 mm के ऑफसेट ले रहे हैं। कितने ले रहे हैं यहाँ पर, 75 mm के ऑफसेट यहाँ पर इस तरह से कंसिडर करने होंगे। अब ये जो लोड है, स्लोप है, वो यहाँ से जाएगा। ठीक है, आपको स्लोप कौन सा जाएगा, कहाँ से, यहाँ से जाएगा। ओके, तो ये 600 है पूरा, सॉरी ये कॉलम जो है ये 600 है इस तरह से, और ये 300 है, और ये जो है आपका 75 mm का आपका ऑफसेट मिल गया आपको। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, सवाल हो तो मुझे पूछते रहिएगा। ठीक है, अब चलो, अब ये जब हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं, तो देखो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए क्या होता है कि क्रिटिकल सेक्शन पर निकालना होता है। ये जो डिजाइन हम जब भी करते हैं तो हमेशा क्रिटिकल सेक्शन को ध्यान में रख के करना होता है। तो बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम जो क्रिटिकल सेक्शन जो होती है, क्रिटिकल बेंडिंग मोमेंट जो होती है वो कहाँ होती है, तो वो होती है यहाँ पर जो कॉलम का फेस है आपका, ये जो कॉलम का फेस है यहाँ पर जो है मैक्सिमम क्रिटिकल बेंडिंग मोमेंट हो पाई जाती है। कितनी होती है यहाँ पे, क्या होती है क्रिटिकल सेक्शन, इसे कहा जाता है बेंडिंग मोमेंट के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट को फाइंड आउट करेंगे। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ जरा मुझे। ठीक है, अब देखो जरा हम क्या करते हैं, क्योंकि ये जो है, ये जो है हमारे पास कॉलम का जो फेस था ये 300 था, ये 300 था। ठीक है, और ये जो पूरा है हमारे पास ये 2850। ठीक है, तो अब एक काम कीजिए आप कि भाई 2850 माइनस 300 करो और डिवाइड बाय 2 करो, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये ऊपर का डिफरेंस डिस्टेंस और आपको मिलेगा ये नीचे का डिस्टेंस। ठीक है, आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा। तो ये कितना हो रहा है, ये 1275 हो रहा है, ऊपर से भी 1275 होगा। ठीक है, इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ मुझे, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको, करना क्या है, कुछ नहीं करना है आपको। ये जो टोटल आपका ये जो डेप्थ है आपकी, ठीक है, 2850 है, 2850 माइनस कर दीजिए 300। ओके, उसके बाद जो भी आपका आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 2 कर दीजिए, तो आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे की आपको सारी वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिमिलरली सेम चीज़ आपको क्या करना है, ये क्योंकि 600 है, ये कितना है 600 है, तो आपको अगर ये पता करना है, ये पता करना है, तो क्या करना होगा आपको, ये जो 3150 है माइनस 600 कर दो, डिवाइड बाय 2 कर दो, और जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पर रख दो, यहाँ पर रख दो। ठीक है, तो कितनी आ रही है यहाँ पर, ये भी 1275 हो रहा है, 1275, और ये भी 1275 हो रहा है। ठीक है, तो ये सारे आपको जो एजेस है उनके डिस्टेंस पता चल चुके हैं। ओके, ये जो क्रिटिकल सेक्शन है वो हमने निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, मोमेंट यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो मोमेंट के लिए हमें सबसे पहले UDL, क्योंकि मोमेंट के अंदर जो यहाँ पे फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, WL2 बाय, क्योंकि UDL होगा सारा, ये क्या होगा सारा UDL है, तो UDL के लिए जो मोमेंट होती है वो कितनी होती है, WL2 बाय 2 होती है। ठीक है, इसके अंदर जो W होता है वो UDL होता है। अब ये UDL जो है आपका दो डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया, अब ये जो एक्सिस है हमारी, ये एक्सिस कौन सी है हमारी, ये Y एक्सिस है। ठीक है, सिमिलरली ये जो हमारी एक्सिस होगी ये कौन सी एक्सिस हमारी, X एक्सिस होगी। ठीक है, तो अब X एक्सिस और Y एक्सिस दोनों एक्सिस के लिए हमें यहाँ पर क्या करना होगा, मोमेंट के लिए लोड को निकालना होगा, UDL को निकालना होगा। ठीक है, तो करना क्या है, हाँ हाँ आइए आइए, सुजीत कुमार प्रेजेंट, वेरी गुड, वेल स्वागत है आपका। चलो, तो अब यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हम पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कि भाई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, मतलब ये एक्सिस। ठीक है, अब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं। ठीक है, जब हम एक्स एक्सिस की बात करते हैं, जो डिस्टेंस हमें जो कंसिडर करना है वो उसके परपेंडिकुलर वाला डिस्टेंस हमें कंसिडर, हमेशा याद रखिएगा, चाहे हम लोड की बात करो, चाहे मोमेंट की बात करो, ठीक है, चाहे रेनफोर्समेंट की बात करो। ठीक है, जब भी हम एक्स एक्सिस को कंसिडर करते हैं तो उसके परपेंडिकुलर जो लोड होता है, वही जो डिस्टेंस होता है वही हमें कंसिडर करना होता है। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास x है, ये x एक्सिस हमारे पास है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारे पास लोड होगा वो कितना होगा, x एक्सिस की बात कर रहे हैं, एक काम करता हूं मैं थोड़ा इसे रफ कर देता हूं यहां से। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो w x की अगर बात करें, डब्ल्यू एक्स मतलब x डायरेक्शन में आपका जो लोड होगा वो। ठीक है, तो उसका जो फॉर्मूला होगा कितना होगा, p, ये तो हमारे पास जो हमने अपवर्ड प्रेशर निकाला था वो। ठीक है, पी इंटू, अब ये देखो पी इंटू ये जो डिस्टेंस है पूरा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि भाई ये जो हमारे पास लोड है, ये जो एक्स एक्सिस हमारे पास आ रही है, ठीक है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर कौन सा लोड, कौन सा डायमेंशन है, तो वो 2.85 है। ठीक है, तो पी इंटू 2.85 हो जाएगा, पी हमें पता है, पी इज नथिंग बट 259, जो हमने अभी कुछ देर पहले निकाला है, 259 इंटू
2.85, इसे कैलकुलेट करो, मुझे इसका जवाब बताओ, जल्दी करो, मुझे कैलकुलेट करके इसका डब्ल्यू एक्स करके जवाब बताओ। सिमिलरली हमें क्या करना होगा, डब्ल्यू वाई करना होगा। डब्ल्यू वाई के अंदर क्या होगा, पी इंटू, अब ये जो पी, अब इसमें जो डायमेंशन होगा ये कौन सा होगा, जरा मैं ये बताता, ये काम करो पहले, मुझे डब्ल्यू एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करके जल्दी बताओ, कमन हरी अब, डब्ल्यू एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करो और मुझे आंसर बताओ, हरी अब जल्दी करो, थोड़ा गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, पता नहीं क्या हो रहा है, तापमान कभी फट रहा है कभी घट रहा है, तो कुछ पता नहीं चल रहा है। 73815 बिल्कुल करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट आंसर है। और कोई है, सत्यम ध्रुवा, वेरी गुड, अच्छा ध्रुव सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात। तो 738.15 कितना आ रहा है, ये 738.15। सिमिलरली आप मुझे, आप इसका ये बताओ, ये बताओ आप कि डब्ल्यू वाई इज इक्वल टू पी इंटू कौन सी वैल्यू आएगी, पी के साथ कौन सा डिस्टेंस आएगा, पी के साथ कौन सा डिस्टेंस आएगा, जल्दी करो ये बताओ मुझे। अब सभी का आंसर ये बिल्कुल सही था डब्ल्यू एक्स के लिए, अब मुझे डब्ल्यू वाई के लिए डिस्टेंस बताओ कौन सा आएगा, लोड इंटू डिस्टेंस कौन सा आएगा, जल्दी करो, हरी अब कम ऑन। अब वेटिंग गाइस, जल्दी करो। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब हम एक्स एक्सिस के लिए कंसीडर करते हैं तो उसके परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होगा वो हमें लेना है, ठीक है। अगर हम वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो लेना है, ठीक है। तो 3.15 होगा ना, है ना, 3.15 देना है हमें, तो पी इंटू 3.15, ठीक है, मतलब 259 इंटू 3.15, दैट इज इक्वल टू कितना हो रहा है आंसर। अच्छा आप सभी ने आंसर भी बता दिया इसका, बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो 815 मतलब 815.85 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है, ये आपका 85 किलोमीटर पर मीटर, ओके। तो आपको ये डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू वाई मिल चुका है, अब हमें क्या करना होगा कि भाई ये जो मोमेंट है हमें दोनों दिशाओं में निकालनी होगी, एक्स और वाई दोनों के अंदर निकालनी होगी, ठीक है। तो हम चलो ये निकालते हैं, यहाँ पर मोमेंट देखते लेते हैं। तो मोमेंट के लिए करना क्या है, एमयू एक्स की अगर बात करें, हम सबसे पहले हम बात करते हैं एमयू एक्स की अगर बात करें, तो एमयू एक्स कितना होगा यहाँ पर, डब्ल्यू एल एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई टू, ठीक है, यही होगा, या फिर हम डब्ल्यू एल लेते, चलो कोई बात नहीं, डब्ल्यू एक्स हम ले, हाँ डब्ल्यू एक्स, ओके। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, डब्ल्यू एक्स, अब यहाँ पर डब्ल्यू एक्स हमें पता है एम वाई एम एक्स के लिए क्या है, एम एक्स के लिए डब्ल्यू एक्स क्या है, 738.15 है, ठीक है, 738.15 है, सॉरी डब्ल्यू एक्स हमने निकाला पहले या वाई निकाला हमने पहले, वाई के लिए 815 है, ठीक है, और डब्ल्यू एक्स के लिए, ठीक है। तो हम एम यू एक्स की अगर बात करें, MUX की अगर बात करें तो यहाँ पर 815 पॉइंट कितना था, 85। अब यहाँ पर हम अगर लेंथ की बात करें कि भाई लेंथ कितनी होगी और लेंथ हमें कौन सी लेनी है, ठीक है, हम अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ कौन सी लेनी है हमें, ठीक है। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर इस कॉलम के फेस पर निकाल रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, मोमेंट यहाँ पर इस कॉलम के फेस पर निकाल रहे हैं, ठीक है, थीके? और आपका UDL जो है वो यहाँ पर बिछा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर इस तरह से है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस आपका होगा, डिस्टेंस क्या होगा आपका, डिस्टेंस आपका होगा ये 1275, हम क्योंकि इसे यूनिट के लिए निकाल रहे हैं, हम फेस पर निकाल रहे हैं, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट एट द फेस, ओके, हम ये फेस पर निकाल रहे हैं। तो फेस पर क्या होगा भाई, लोड, जो भी लोड है यहाँ पर, इनटू इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारे पास कितना है 1275 का है, हमारे पास डिस्टेंस कितना है, लेंथ कितनी होगी फिर उसकी, 1275 होगी इसकी लेंथ, कितनी होगी 1275, मतलब कितनी होगी यहाँ पर 1.275 स्क्वायर डिवाइड बाई टू, यही होगा एम यू एक्स, समझ में आ रहा है आप सभी को। आज वीडियो पता नहीं बार बार क्यों, आई एम नॉट गेटिंग द पॉइंट, ये बार बार लैग क्यों हो रहा है आज, चलो खैर जो भी है। तो इसका मुझे आंसर बताओ, इसका मुझे आंसर बताओ, जल्दी करो जरा, हरी अब, हाँ ये आप यहाँ पर देखो जरा, मार्क खा गए, ठीक है, आप यहाँ पर मार्क खा गए, ये जो सारे लोग जो है ये कॉपी कर रहे हैं, ये जो 600 जिसने आंसर दिया है ना बिल्कुल कॉपी कर रहा है, ठीक है, 663 इज द करेक्ट आंसर, और ये कैलकुलेट करके बता रहे हैं शायद, मुझे लग रहा है। तो 663.13 इज द करेक्ट आंसर, किलोमीटर इंटू मीटर, दिस इज द करेक्ट आंसर, ओके, ये था एम यू एक्स के लिए। सिमिलर आपको क्या करना है, एम यू वाई के लिए करना है, एम यू वाई के लिए आप करोगे क्या, तो आपको यहाँ पर जो ये एम डब्ल्यू वाई था वो लेना है, ठीक है, आपको क्या करना है, डब्ल्यू वाई, आपको डब्ल्यू एक्स लेना है, ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या करना होगा कि भाई 738, ठीक है, 738 मैंने आपको पहले बताया था, 738 इंटू 0.15 इंटू यहाँ पर जो, हाँ ये जो है फिर से यहाँ पर डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1.275, ठीक है, 275 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई टू, बस वही प्रोसीजर है, नया कुछ नहीं है, प्रोसीजर वही है, नई कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आप 600 आएगा,
अब वो क्या आएगा 600 आएगा, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको जब डायरेक्शन की बात करते हैं तो जब भी हम अगर एक्स डायरेक्शन की बात करें तो आपको जो लोड है वो, जो डिस्टेंस है आपको वो लेना है उसका परपेंडिकुलर। जब भी हम एक्स डायरेक्शन की बात करें तो लोड भी आपको परपेंडिकुलर लेना है। अगर हम वाई डायरेक्शन की बात करें तो आपको जो डिस्टेंस है वो परपेंडिकुलर लेना है और जो लोड है वो भी परपेंडिकुलर वाला ही लेना है, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन वाला लेना है। ओके, तो इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, कोई कंफ्यूजन हो तो बता दीजिए मुझे। मोमेंट हमें पता चल गया, अब इस मोमेंट को हम आगे यूज करेंगे इसकी डेप्थ निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि मोमेंट यहाँ पर जो है वो दो हमारे पास आ रही है, एक तो MUX और MUY, दो अलग अलग मोमेंट हमें मिल रही है, ठीक है। तो इन दोनों मोमेंट के लिए हम अगर हम बात करें तो दोनों अलग अलग हमें डेप्थ देगी। अगर हम बात करें यहाँ पर MUX के लिए, ठीक है, अगर हम बात करें भाई साहब कि MUX इज इक्वल टू 0.138 FC के BDX स्क्वायर, कि एक फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा आपके पास, MUY इज इक्वल टू 0.138 FC के BDY स्क्वायर। तो देखो ये DY और DX, आपको ये दो डेप्थ मिलेगी, ठीक है। इन दोनों डेप्थ का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। अब फिलहाल आप देख लीजिए कि दोनों दिशाओं में डेप्थ निकाल लीजिए। अब ऐसा पॉसिबल तो नहीं होता है कि हम X डायरेक्शन में कुछ अलग डेप्थ प्रोवाइड करें और Y डायरेक्शन में कुछ अलग डेप्थ प्रोवाइड करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसका कंसेप्ट क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है, तो आपको आगे पता चलेगा धीरे धीरे। वो अभी आप फोकस कीजिए कि इन दोनों को किस तरह से निकाला जाए। ओके, तो यहाँ पर देखो आपके पास MUX पता है आपको, आपको FC के पता है, FC के 20 हमारे पास, ठीक है, आपको B पता है, ओके, और आपको D यहाँ पर इसको सब्जेक्ट करना है। अब जरा मुझे इसके अंदर सारी चीज़ें आपको पता है तो मुझे फटाफट DX की वैल्यू बताओ, जल्दी करो, कैलकुलेट करो, आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं, मुझे जल्दी जल्दी क्या करो, DX की वैल्यू बता दो फटाफट, कम ऑन, हरी अप। और हाँ हाँ हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है साहब यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओ कि बी सर हमें क्या लेना है, बी हमें क्या लेना है। तो देखो अगर हम एम यू एक्स की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था डिस्टेंस आपको परपेंडिकुलर वाला लेना है, मतलब 600 लेना है, लेकिन ये बी आपका नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो बी है ये बी इसे कहते हैं रेजिस्टिंग सेक्शन। ये क्या बी, ये क्या, ये बी कौन सा होता है, ये होता है रेजिस्टिंग सेक्शन वाला बी। अब कितना सेक्शन रेजिस्ट कर रहा है इसे, तो ये देखो ये जो है हमारे पास ये कॉलम का हमारे पास इस तरह से सेक्शन, अगर बताऊं मैं आपको, ठीक है, तो ये इस तरह से, ठीक है, तो सारा ये जो सेक्शन है पूरा ये इसको रेजिस्ट करेगा। तो हमें क्या करना होगा कि भाई 600 का ये कॉलम है लेकिन 75 mm का ये भी है, 75 mm का ये भी है, जो इसे रेजिस्ट करने में काम आएगा, ठीक है, तो हमें इसको भी ऐड करना होगा दोनों को। तो यहां क्या होगा, 600 प्लस 2 × 75, ठीक है, तो ये जो है इसका जो टोटल बी हो जाएगा वो कितना होगा, 750 होगा, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से करना है, इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो हमने ऑफसेट प्रोवाइड कर रखा है दोनों तरफ से 75 mm वाला, ठीक है, वो भी आपको इस रेजिस्टिंग सेक्शन के अंदर इंक्लूड करना है। ओके, तो अब आप कीजिए फटाफट, बी की वैल्यू जो है आपको 750 लेनी है इसके अंदर, और यहां पर जो बी की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो करना कुछ नहीं आपको भाई साहब, ये 300 है प्लस 2 × 75, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा आपका, 450 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये भी आपकी 450 आ गई, ठीक है। तो इस तरह से फटाफट ये वैल्यू रखो और मुझे DX की और DY की वैल्यू बताओ, जल्दी करो, DX की वैल्यू और DY की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करके बताओ। तब तक मैं थोड़ा अपने गले को आराम दे देता हूँ, और कुछ सवाल है कुछ किसी लोगों के तो वो सवाल मुझे पूछ लीजिए, मैं आपको सवाल के जवाब भी अभी दे देता हूँ जब तक ये लोग बाकी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी करो, हरी अप हरी अप हरी अप। हाँ, तो DX की वैल्यू कितनी आ रही है, 320.35, और किसी का आंसर आ रहा है, DX की वैल्यू आ रही है 320 कैसा आ रहा है ये आंसर आपका, आंसर आपका ज़्यादा आना चाहिए। आपको करना क्या है पता है, हाँ हाँ, अमित बोरकर, तो अमित बोरकर आपका आंसर बिल्कुल सही है, अमित बोरकर का आंसर नहीं है ये, आपका आंसर सही नहीं है भाई साहब, आपने एक में 566 दे रखा है, आप कंफ्यूज हो या मुझे कंफ्यूज कर रहे हो। योर आंसर शुड बी, मैं लिख दूं आंसर, ठीक है। तो देखो DX का जो वैल्यू आपकी है, DX की जो वैल्यू है आपकी वो आनी चाहिए यहां पर 566 mm, ठीक है, ये DX की वैल्यू है। DY की वैल्यू जो आपकी आनी चाहिए वो है 695।
अब आपने आपको जरा आप करेक्ट कर लीजिएगा, कहीं भी आपके कोई भी भूल हो रही है तो अपने आपको जरा यहाँ पे करेक्ट वेरीफाई कर लो फटाफट। यहाँ पर जो वैल्यू है एम यू एक्स की वो कौन सी लोगे आप, तो यहाँ पर वैल्यू होगी 663.13 इंटू 10^6 होगा न्यूटन एम एम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये ये आपका 750 होगा, यहाँ पर ये 20 होगा, ठीक है। सारी वैल्यू यहाँ पर मैंने बता दी आपको। सिमिलरली यहाँ पर जो है एम यू वाई जो आपका है, एम यू वाई कितना होगा आपके पास, कितना आया था एम यू वाई, तो ये 600 है ना, एम यू वाई की वैल्यू यही थी, ओके हाँ, तो 600 इंटू 10^6 होगा ये। एफ सी की आपके पास 20 है, बी आपके पास ये है, डी आप निकालो। तो अब जरा अपने आपको देखो, आप चेक कर लो फटाफट एक बार कि आप कितने सही हो कितने गलत हो, जल्दी करो, कम ऑन हरी अप, हम ये हरी अप। अरुण एस करेंगे सर, फाउंडेशन डिज़ाइन में ग्रेविटी लोड का साथ मोमेंट भी कंसिडर करके एक वीडियो बना दो, ठीक है ठीक है ठीक है। अहमद आइए आइए, हेलो हेलो। और संजीव कह रहे कि हेलो सर, किस बुक से आप फॉलो कर रहे हो प्लीज़ टेल। हम जो बुक फॉलो कर रहे हैं वो एक गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के बेसिस पर है, सारा प्रोजेक्ट जो सिलेबस है वो उसी बुक से है। और जो बुक का नाम है वो है डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट स्ट्रक्चर, मतलब DRCS। ऑथर है इसके डॉक्टर RP रेठलिया, ओके ऑथर है डॉक्टर RP रेठलिया की जो बुक है, एक लिखी हुई टेक्स्ट बुक है, रेफरेंस बुक नहीं है, ठीक है। ये गुजरात के बेसिस पर ही है, गुजरात को और गुजरात के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ये बुक बनाई गई है, ओके। तो उसी बुक को हम, क्योंकि हम जो अभी प्रिपरेशन करवा रहे हैं ये आपको जो भी गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर बंदे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन्हीं के लिए हम उनको तैयारी करवा रहे हैं एग्जाम्स की, ओके। तो ये सिलेबस हम कवर करवा रहे हैं, ओके। तो चलो जल्दी करो, मुझे ये आपका आंसर आना चाहिए, किसी का आंसर आ रहा नहीं आ रहा जल्दी फटाफट बताओ मुझे, यस और नो, आपको लग रहा है ये आंसर गलत है तो मुझे बताओ, हो सकता है इनके अंदर कोई गलती हो, आप सही हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, वेलकम वेलकम संजीव सिंह, वेलकम। तो जल्दी करो फटाफट मुझे जवाब बताओ यार, क्या आंसर है आपका, हरी अप। फाइव सिक्सटी, हाँ अब आपका आंसर बिल्कुल सही आया अमित बोरकर, अब आपका आंसर बिल्कुल सही आया है। और कोई है जिसका आंसर ये आ रहा है, और कोई भी हो तो अपने आप को करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है, आपने राउंड अप किया नहीं किया, मैंने नहीं किया, ठीक है, चलो खैर जो भी है। तो आपको यहाँ पर देखो दो अलग अलग डेप्थ मिल रही है, आपको क्या कर रही है, दो अलग अलग डेप्थ यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो ये जो है ये स्मॉल डी है, मतलब ये सारी क्या निकाली हमने, ये इफेक्टिव डेप्थ है हमारी, क्या है, दोनों भी क्या है, इफेक्टिव डेप्थ है, ठीक है। अब इफेक्टिव डेप्थ के साथ साथ हमें क्या करना है, ओवरऑल डेप्थ निकालनी है, मतलब कैपिटल डी निकालना है। तो देखो हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर एक काम कर, दो तरीके इसके होते हैं, या तो आप कैपिटल डी को क्या करो स्मॉल डी प्लस आप यहाँ पर कवर करो प्लस जो डायमीटर ऑफ बार है वो उसका हाफ कर दीजिए, ठीक है, ये आपको करना है। लेकिन देखो अब क्या करना है हमने यहाँ पर, और दूसरा तरीका क्या होता है कि भाई यहाँ पर डी की वैल्यू जो आप एज्यूम कर लो, हम क्या कर रहे हैं दूसरा तरीका अपना रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे डी का जो डी है वैल्यू जो इसकी वो एज्यूम कर रहे हैं, आप 750 ले लीजिए, 700 ले लीजिए, 800 ले लीजिए, ले सकते हो, कोई इसका एजम्पशन है, ठीक है, तो उसके आसपास आप कहीं भी ले सकते हो। हम यहाँ पर डी जो ओवरऑल डेप्थ है वो 800 mm कंसिडर कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं 800 mm कंसिडर कर रहे हैं। और इस 800 mm के बेसिस पर अगर हम निकाले कि भाई अब इफेक्टिव डेप्थ कितनी निकलेगी हमारे पास, इफेक्टिव डेप्थ इन वाई डायरेक्शन एज वेल एज इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। इफेक्टिव डेप्थ की अगर बात करें अपन, अब तो क्या होगा इफेक्टिव डेप्थ के अंदर, इसके अंदर देखो, तो भाई अब अगर हम बात करें dy के लिए, अगर हम बात करें dy के लिए, ठीक है, तो dy टोटल जो हमारे पास ओवरऑल डेप्थ हमारे पास कितनी है 800 है, माइनस हमें कवर करना होगा, हमें क्या करना होगा माइनस कवर करना होगा, ठीक है। तो कवर कितना, तो कवर 50 mm का कवर करना है, ठीक है, माइनस कितना करना है 50 mm का कवर करना है, और 50 mm के साथ साथ जो सली होते जो बार्स होते प्रोवाइड उसका भी हाफ डायमीटर में माइनस करना होगा। लेकिन हमने बार तो यहाँ पे प्रोवाइड किए नहीं है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो ऐसे यहाँ पर आपको क्या करना होगा, फिर से एज्यूम करना होगा कि भाई आपने जो है एक्स डायमीटर कन्वर्ट, मतलब आप एक्स मतलब जो है आप यहाँ पर 12 mm कंसिडर करो या 16 mm, जो भी आप कंसिडर करना चाहते हो आप कर सकते हो, ठीक है, बाद में आपको पता चल जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं भाई 12 mm डायमीटर बार के कंसिडर करते हैं कि भाई हम फुटिंग के अंदर अभी फिलहाल जो है एज्यूम कर रहे हैं कि 12 mm डायमीटर के बार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अब इसका हाफ डायमीटर आपको माइनस करना होता है, मतलब 6 माइनस कर दीजिए, 6 आप माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको यहाँ पर कि इसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ओके। इसको अगर कैलकुलेट करोगे आप तो ये कितना आ रहा है 744, कितना आ रहा है ये 744 mm आपकी ये वैल्यू निकल कर आ रही है, ठीक है। आपको अगर समझ में नहीं आ रहा तो बता दो, आपको फिगर को ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है, मैं आपको, ताकि आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाए, ओके।
चलिए, तो मान लीजिए आपके पास ये आपका इस तरह से फुटिंग है, ये आपका इस तरह से एक फुटिंग है, ठीक है। हम ये डेप्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इस डेप्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम इस डेप्थ की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले तो कवर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो हमने कितना 50 mm का ले रखा, उसके बाद आपका यहाँ पर बार्स हो गए, सलिए जो उसे हम कहते हैं बार्स जिसे कहते हैं, ठीक है। तो ये बार्स हमने जो है 12 mm के प्रोवाइड कर रहे, तो इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है उसका सेंटर से, ठीक है। तो हमने ये 6 माइनस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे डीएक्स के लिए कि डीएक्स क्या होगा। तो आपको डीएक्स क्या करना होगा, डीएक्स आपको यहाँ से इस बार के ऊपर से कंसिडर करना होगा, मतलब ये जो हमने जहाँ से ये खत्म हुआ था वहाँ से डीएक्स शुरू होता है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था, ठीक है। ये मैंने आपको क्या पहले बता दिया था कि भाई जो बार्स हमारे जो हमने डीवाई जो है हमने ले रहे हम जो हमने निकाला था, ठीक है, जब शायद मैंने आपको कॉलम की या बीम की डिज़ाइन में बताया था, ठीक है। तो जो भी हमने यहाँ पर वाई डायरेक्शन में डेप्थ निकाली थी, अब जो एक्स डायरेक्शन में डेप्थ निकालते हैं तो वाई से कंसिडर कर, बिकॉज हमने ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कंसिडर कर ली है, कवर और बार हमने ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है, तो दोबारा हमने यहाँ पर फिर से उसे माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्या करना होगा हमें, अब 744 से हमें कंसिडर करना होगा, ठीक है, क्या करना होगा 744, ओके। और 744 माइनस जो है अब आपका यहाँ पर पूरा 12 mm का डाया आपको बात करना होगा, क्या होगा, पूरा 12 mm का डाया आपको माइनस करना होगा। तो माइनस 12 हमने डायमीटर, जो भी आप डायमीटर प्रोवाइड करते हो, ठीक है, वो पूरा आपको माइनस करना है, तो 744 माइनस 12 mm डायमीटर, ठीक है। तो आपका यहां पर जो वैल्यू निकल कर आएगी, मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि हमारा समय इसके अंदर ज्यादा जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर 732 mm आपका dx निकल कर आ रहा है, ये dy आ रहा है, ओके। अब देखो आपके पास जो है दो इफेक्टिव डेप्थ आ रही है, एक dy जो है वो आपका 744 है और दूसरा x डायरेक्शन में वो 732 है, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल कहाँ होता है, तो जब आप शीयर चेक करोगे, जब आप जो है, हाँ हम 16 mm के भी प्रोवाइड कर सकते हैं मोहन, हम 16 mm के भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपको पहले बताया, ठीक है, चाहे आप 12 करो चाहे आप 16 करो, वो आपकी मर्जी है, ठीक है। हम यहाँ पर सिर्फ डिज़ाइन क्राइटेरिया और कंडीशन देख रहे हैं, हम किसी चीज़ को एक्चुअल में डिज़ाइन नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहाँ पर सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर डायमीटर आप बदल देते हो तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए कि जो डायमीटर यहाँ पे ले रहा हूँ वही डायमीटर यहाँ माइनस करना होगा और उसका आधा यहाँ पे मुझे माइनस करना होगा, ठीक है। ये सिंपल कोर्स कंसेप्ट आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलो, तो जब हम शीयर चेक करते हैं ना, वन वे शीयर और टू वे शीयर, तब इन दोनों का रोल आता है, ठीक है। तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किस तरह से करना है हमें सब कुछ, ओके। तो ये क्या किया हमने कि डेप्थ दोनों की निकाल ली। अब देखो हमें क्या करना है, डेप्थ पता चल गई, ये पूरी डेप्थ हमें पता चल गई है, लेकिन इसके अंदर एक और चीज बाकी है, अब जरा गौर कीजिएगा, अब जरा इस चीज पर गौर कीजिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये इस तरह से जाता है कॉलम, सॉरी फुटिंग, और यहाँ पर इस तरह से ये बेंड होता है, ठीक है। तो ये जो एज है, ये जो एज यहाँ पर स्ट्रेट है, इसकी डेप्थ भी तो हमें निकालनी है, इसकी डेप्थ भी हमें रखनी होगी, क्योंकि ये भी तो हमें डेप्थ प्रोवाइड करनी है इसकी हाइट हमें, ठीक है। तो एज डेप्थ हम इसे कह सकते हैं, हम इसे क्या कह सकते हैं, एज डेप्थ, और ये हम यहाँ पर हमें एज्यूम करना है, हम यहाँ पर जनरली क्या कर रहे हैं भी एज्यूम कर लेते हैं, और ये एज्यूम कितना करते हैं यहाँ पर 230-250 जो भी आपको कंसिडर करना है आप कर सकते हो, 250 ले लो, 260 ले लो, 230 ले लो, 240 ले लो, आपको जो लेना है आप ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम 230, ये मैं क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि फिर कैलकुलेशन के अंदर हमें अलग से कैलकुलेट ना करना पड़े, इसलिए मैं यहाँ पर 230 ले रहा हूँ, वरना मैं यहाँ पर 250 भी ले सकता था, 260 भी ले सकता था, ठीक है। ये जो आपकी इतनी हाइट है, ठीक है, एज डेप्थ से कहते हैं, ठीक है ना, कॉलम के अंदर, सॉरी फुटिंग के अंदर, ठीक है। ये जो एज डेप्थ है ये हमने 230 यहाँ पर कंसिडर कर लिया, समझ में आ रही है आपको सारी बातें, येस और नो, यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, येस और नो, कमऑन, गिव मी द आंसर, रिप्लाई, कमऑन कमऑन, आप सभी को समझ में आ रहा है सब कुछ फंडा जो भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, येस और नो, ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। तो हमने यहाँ पर डेप्थ निकाल ली, ठीक है, हमने यहाँ पर डेप्थ निकाल ली है। अब एक काम करते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग डेप्थ हैं, ठीक है, तो हम इसका एवरेज निकालें। एवरेज आपको जब हम टू वे शीयर चेक करेंगे ना, टू वे शीयर जब चेक करेंगे तो हम आपको एवरेज डेप्थ की जरूरत पड़ेगी। तो एवरेज डेप्थ हम निकाल लेते, डी एवरेज, एवरेज डेप्थ क्या हो जाएगी यहाँ पर कि भाई ये प्लस ये डिवाइड बाय टू कर दीजिए, ठीक है, 744 है, 744 ही है, ठीक है, हाँ 744 प्लस 732 डिवाइड बाई टू, एवरेज डेप्थ आपकी आ रही है, कितनी आ रही है 738, ओके 738 mm आपकी एवरेज डेप्थ यहाँ पर निकल कर आ रही है, ओके तो डेप्थ का फंडा यहाँ पर क्लियर हो गया, मतलब हमने डायमेंशनिंग जो प्रोसेस थी इसकी, डायमेंशन निकालने की, चाहे वो डेप्थ हो, लेंथ हो, विड्थ हो, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर निकाल ली है, ओके। अब चलिए इसके अंदर अब बारी आती है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने की, तो आपको रेनफोर्समेंट आज ही प्रोवाइड करना है या फिर कल की क्लास में करें, अब बताओ सर आपकी मर्जी क्या है, आपका इंटरेस्ट है अभी या फिर आप कल पढ़ना चाहते हो बाकी चीज़ें, जल्दी बताओ मुझे, आज और कल लिख के बताओ, आज या कल, हरिओम, आज या कल,
जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करे बिना ना जाइएगा, भूलना मत, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, आज ही कर लेते हैं। चलो तो देखो, रेनफोर्समेंट के अंदर भी क्या है, आपको दो डायरेक्शन में रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। आपको एक तो होगा एक्स डायरेक्शन में और दूसरा होगा वाई डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में आपको रेनफोर्समेंट रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने के लिए करना क्या होगा। तो देखो वही सिंपल तरीका है, आपको पीटी निकालना है, पीटी का जो भी परसेंटेज होगा वो निकाल लीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर एएसटी निकाल लीजिए, ठीक है, एएसटी निकालना है, ओके, और उसके बाद आपको बार प्रोवाइड करना है। यही सिंपल प्रोसीजर है जो हम पहले से करते आ रहे हैं, ठीक है। अब जो पीटी निकालना है वो कैसे निकालोगे, तो आपको मैंने बताया था मैंने पहले भी कि पीटी निकालने के यहाँ पर दो अलग अलग तरीके हैं। एक तो होता है एमयू बाई बीडी स्क्वायर का रेशियो निकाल लीजिए, और दूसरा होता है कि मैंने आपको वो जो फॉर्मूला बताया था, पीटी इज इक्वल टू 50 एफसीके डिवाइड बाय एफवाई, ठीक है, अंडर रूट ऑफ सॉरी इनटू 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 4.6 एमयू डिवाइड बाय एफसीके बीडी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। या फिर आप जो है एमयू बाय बीडी स्क्वायर का रेशियो निकालो और एसपी 16 में जाकर इसका अंदाज़ा लगाओ, ठीक है, वहाँ से मतलब टेबल दे रखा आपको, ओके, तो 48 पेज नंबर पर शायद, तो आप दोनों में से कोई भी प्रोसेस चुन सकते हो जो आपको ठीक लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस तरह से पीटी निकाल लेनी है। हम डायरेक्ट यहाँ पर पीटी की वैल्यू रख देते हैं, ओके, सिंपल चीज़ है, इसलिए मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, और पहले से आपने हमारे क्लासेस को अटेंड की होगी तो आपको पता होगा कि किस तरह से पीटी की वैल्यू को निकाली जाती है, ठीक है। तो पीटी की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, हाँ, ये एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, एक्स डायरेक्शन के अंदर रेनफोर्समेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, ओके। और जो फुटिंग होती है ना, उसके अंदर जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाता है वो पता है आपको, ये मान लीजिए फुटिंग का आपका ये है, ठीक है, तो यहाँ पर एक जाली की तरह बनाई जाती है दोनों डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में, आपको जाली की तरह बनाई जाती है, ठीक है। ये आपकी इस तरह से हो रहा है, मतलब मान लीजिए ये आपको इस तरह से रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, ओके, ये जाली होती है इस तरह से बनाई हुई वहाँ पर एक, ओके, केज तो नहीं कह सकते उसे, ठीक है, तो वो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसलिए x और y डायरेक्शन में हम दोनों तरफ से प्रोवाइड करते हैं। तो अब क्या करना है आपको, pt की वैल्यू, हाँ, pt की वैल्यू हम यहाँ पे डायरेक्ट रख रहे हैं, pt की वैल्यू जो है, हाँ, इसके अंदर जो आपको मोमेंट वगैरह निकालना आता है ना, है ना, पता है आप सभी को, चलो, तो pt की वैल्यू हमारे पास जो आ रही है वो 0.798% आ रही है, कितनी आ रही है, 0.798%, है ना, हाँ, मैश, बिल्कुल सही, मैश, करेक्ट आंसर, एग्जैक्ट वर्ड है मैश। और AST इसके हिसाब से कितना आएगा फिर, तो भाई साहब 0.798 डिवाइड बाय 100 इनटू यहाँ पर जो भी उसका बी होगा, मतलब 450 इनटू डेफ्थ उसकी कितनी हमारे पास ली थी हमने, 744, ठीक है। ये सारे आपको एक्स और वाई के जो डायमेंशन है वो आपको पता होना चाहिए, मैंने कुछ देर पहले आपको सब कुछ लिखा है, कन्फ्यूज होना नहीं आपको, जहाँ पे आपको समझ में कन्फ्यूजन लग रहा है तो पीछे एक बार नज़र मार लीजिएगा, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। तो इस यहाँ से आपको जो AST मिलेगा कितना मिलेगा, 2671.70 mm², ठीक है, ये आपको यहाँ से AST मिल गया, ओके। अब यहाँ पर आप एक काम करो, 12 mm का डायमीटर प्रोवाइड कर दो, ठीक है, 12 mm का डायमीटर प्रोवाइड कर दो, और कितने नंबर, अब यहाँ पर आप ये बता सकते हो कि यहाँ पर नंबर बता दो या फिर स्पेसिंग बता दो, जो भी आपको बताएं बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पर हम नंबर बता देते हैं, तो कितने नंबर आप प्रोवाइड करेंगे यहाँ पर, तो देखो आप नंबर किस तरह से प्रोवाइड करना है, नंबर किस तरह से प्रोवाइड करना है आपको, तो आपके पास जो है एक तो ये है, दिस AST डिवाइड बाई दिस AST इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बार, ठीक है, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ बार। आप नए हो, आपका स्वागत करता हूँ मैं टेक्निकल सिविल में, आपसे गुजारिश करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बाजू में बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। चलो तो कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, कोई बताएगा मुझे ज़रा, नंबर ऑफ बार कितने आ रहे हैं आपके निकल के, आपको करना कुछ नहीं, ये जो 2671.70 डिवाइड बाई ये, ठीक है, हाँ, तो 24 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, 24 इज द करेक्ट आंसर, 23 के समथिंग आसपास आपकी वैल्यू आएगी, तो आपको उसे राउंड अप करके 24 कर देना है, ठीक है। तो ये 24 बार्स आपके आ रहे हैं, ओके, 12 mm ऑफ 24 बार। अब जब 24 बार आ रहे हैं आपके, तो अब आपकी AST कितनी होगी, तो अब क्या करना होगा आपको, जो भी इसका वैल्यू आएगी, जो भी इसकी वैल्यू आएगी इनटू 24 कर दीजिए, तो आपको AST प्रोवाइडेड मिल जाएगा, AST प्रोवाइडेड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इतना सिंपल प्रोसीजर है रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करने का। अब यही सेम प्रोसीजर आपको जो है वाई डायरेक्शन के लिए करनी है, यही सेम प्रोसीजर, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, ठीक है, वाई डायरेक्शन के, बस इसके अंदर जो डायमेंशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, आपको डायमेंशन का थोड़ा ध्यान रखना होगा, ओके। तो इंटू 4 वाई इंटू 24 इसलिए क्योंकि एक बार की जो AST है
वो कितनी है मान लीजिए, इसको जरा कैलकुलेट करो, मुझे एक काम करो, इसको कैलकुलेट करके मुझे इसका आंसर बताओ पहले, मैं आपको बताता हूँ बाद में इसका आंसर। पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर, इसका आंसर बताओ मुझे जल्दी करो, मैं आपको बताता हूँ 24 क्यू बताता हूँ आपको मैं। तो 113 आ रहा है, चलो ठीक है, तो 113 इसका आंसर आ रहा है। इसका मतलब पाई बाय फोर मतलब एक जो आपका बार है उसका 113 mm स्क्वायर का एरिया है। आपने कितने प्रोवाइड किए, 24 प्रोवाइड किए, तो 24 बार का टोटल एरिया कितना होगा, इसलिए हम 24 मल्टीप्लाई करते हैं। और वो जो एरिया होगा इसका मतलब वो टोटल AST आपने प्रोवाइड किए है ना, अहमद हैदराबादी जो भी है आप, समझ में आ रहा है आपको, अरुण रावत आपका सवाल था, ठीक है, तो समझ में आ रहा है आपको अरुण रावत को कि भाई जो भी एक डायमीटर था, एक बार था बस, ठीक है, चलो अच्छी बात है, ओके, तो समझ में आ गया, होशियार लोग हैं वैसे आप, तो अच्छी बात है ये। तो वाई डायरेक्शन में हो जाएगा आपसे, वाई डायरेक्शन में हो जाएगा आपसे, यही सिंपल प्रोसीजर आपको फॉलो करनी है, एक्सिस के अकॉर्डिंगली आपको डायरेक्शन लेना है, डायमेंशन लेना है, ठीक है, और वही डायमेंशन को रख के आपको सिंपल प्रोसीजर को फॉलो करते हुए नंबर ऑफ बार इस तरह से प्रोवाइड करने, आपसे हो जाएगा ये येस और नो, आपसे हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, जल्दी करो, हरी अप। और हाँ एक चीज़ अभी रह गई, ठीक है, एक चीज़ रह गई है, जरा मुझे पहले इसका जवाब दे दो कि ये वाई डायरेक्शन में आप कर सकते हो, निकाल सकते हो उसका, नहीं निकाल सकते हो, हरी अप, कम ऑन, टाइम इज गोइंग अप मैन। चलो भाई साहब, हाँ चलिए हो जाएगा, ठीक है, चलो मोहन का जवाब आ चुका है, हो जाएगा, ठीक है। अब जब आप रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करो एक्स डायरेक्शन के अंदर, तो आपको यहाँ पर जो है चेक फॉर क्रैकिंग इस्तेमाल करना है, अब चेक फॉर क्रैकिंग आपको चेक करना है। अभी चेक फॉर क्रैकिंग किस बेसिस पर चेक किया जाता है, तो ये मिनिमम क्लियर डिस्टेंस, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस जो होता है, ठीक है, तो उसके बेसिस पर आपको ये चेक करना होता है। और ये जो क्राइटेरिया है वो आपको IS 456-2000 के अंदर दिया गया है, ठीक है, आपको कहाँ दिया गया, IS 456-2000 के अंदर जाइए, एक काम कीजिए, वहाँ पर पेज नंबर आपको दिया है 46, ओके, चलिए आपके साथ साथ मैं भी चलता हूँ, IS 456-2000 के अंदर पेज नंबर 46, ठीक है, ये हमारे पास IAS कोड है, हाँ, तो देखो 46 पेज नंबर पर आपको यहाँ पर एक टेबल दे रखा है, इस तरह से आपको ये टेबल दे रखा है। इस टेबल के अंदर क्या है कि भाई क्लियर डिस्टेंस बिटवीन बार, मतलब बार के अंदर मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको देखिए करना क्या है कि आपके पास जो है, इसमें से पहले आपको ये पता करना होगा कि जो आपने प्रोवाइड किया है उसके बीच में सेंटर्स कितना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर आपको अगर क्लियर डिस्टेंस पता करना है, अगर आपको क्लियर डिस्टेंस पता करना है एक्स डायरेक्शन के लिए, अगर आपको क्लियर डिस्टेंस पहले पता करना है तो क्या करना होगा, तो हमें पता था कि एक्स डायरेक्शन के अंदर जो लेंथ थी हमारी कितनी थी, 2.85 था ना, तो 2850, ठीक है, माइनस आपको क्या करना होगा, दोनों तरफ से कवर करना होगा, दोनों तरफ से 50-50 mm के कवर माइनस करने होंगे आपको, ठीक है, इसलिए माइनस 100 कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं फिर से एक बार, कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए, ठीक है, ये 2850 है, ये आपका 3815 है ना, क्या है 3815 है समथिंग, या ज़्यादा है 3150, ठीक है 3150 है, ठीक है। अब देखो करना क्या है आपको, यहाँ से जो है 50 mm का कवर माइनस हो जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ से 50 mm का कवर माइनस हो जाएगा, ठीक है, इधर से 50 mm का कवर माइनस हो जाएगा, इधर से 50 mm का, चारों तरफ से 50-50 mm का कवर, ठीक है। अगर हम बात कर रहे हैं, और ये हमारे पास जो है वाई डायरेक्शन है, ये हमारे पास एक्स डायरेक्शन है, ठीक है, अगर हम एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं इस डायरेक्शन की, तो हमें ये लोड लेना, ये डिस्टेंस लेना होगा, ठीक है, तो कितना होगा यहाँ पर देखो, 50 mm का ये, 50 mm का ये माइनस हो गया, ठीक है, दोनों तरफ से 50 mm का माइनस हो गया। माइनस आपको क्या करना होगा, इधर से 6 mm, क्योंकि हमें 12 mm का डायबर कंसिडर करना है, हमें क्या कर रखा है, 12 mm का डायबर कंसिडर कर रखा है, तो 6 mm का इधर से माइनस 6 mm का इधर से, मतलब 12 mm का माइनस करना होगा आपको, 12 mm का माइनस करना होगा, ठीक है, डिवाइड बाय जो भी नंबर ऑफ बार है उसमें माइनस वन, नंबर ऑफ बार माइनस वन क्यों कर रहे हैं हम लोग, देखो हमने क्योंकि यहाँ पर तो एक्स डायरेक्शन में जो नंबर ऑफ बार प्रोवाइड किए हैं वो 24 है, तो आप कहोगे कि 23 हमने माइनस क्यों किया, 24 है तो 24 बार डिवाइड क्यों किया हमने, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो 6 mm इधर से माइनस किया है, 6 mm इधर से माइनस, मतलब ऑलरेडी हमने एक बार तो माइनस कर दिया है ना, ऑलरेडी हमने 24 में से एक बार तो माइनस कर दिया है, क्योंकि एक बार का डायमीटर कितना है 12 mm का है, तो ये 6 और ये 6 मतलब 12 mm का हमने माइनस कर दिया है, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर 23 के जगह 24 के जगह 23 लेंगे, ठीक है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है, ओके, बेसिक आपको तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका क्लियर स्पान आएगा सेंटर टू सेंटर आपका कितना आ रहा है, क्लियर डिस्टेंस वो आ रहा है
109.04, कितना आ रहा है 109.04। ओके, अब देखो यहां पर क्या है, हमने ये सेंटर टू सेंटर लिया था, मान लीजिए कि ये हमारा बार है इस तरह से, ये हमारा इस तरह से बार आ रहा है, ठीक है, तो ये सेंटर टू सेंटर लिया था, लेकिन ये सेंटर वाला बार जो है इधर से, ठीक है, इधर से इसका आधा बार जो अंदर है, आधा बार अंदर है, ठीक है, तो हमें क्लियर डिस्टेंस निकालना है, ओके ना, तो क्लियर डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ये बार को भी माइनस, ये आधा माइनस करना होगा, ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे भाई, ये इधर से 6, इधर से 6, मतलब माइनस 12 और कर देंगे, माइनस 12 और कर देंगे, ठीक है, ये फंडा आपको पता होना चाहिए, कोई कन्फ्यूजन हो तो बताओ, अगर समझ में आया तो यस लिखो, डाउट हो तो अपना डाउट लिखो, जल्दी करो। 107.04 mm, समझ में आया आपको, ये मैंने क्या बताया अभी अभी, ठीक है, चलो, तो यहाँ पर अब ये 1077 है, ओके, 107 मतलब आ चुका है आपका। अब IS कोड आपको क्या कहता है कि आपका जो डिस्टेंस है वो 180 से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप उस टेबल के अंदर देखोगे तो उस टेबल के अंदर आपको दिखेगा वहाँ पर 415 के लिए जो आपका बार होगा उसका जो क्लियर डिस्टेंस है वो आपका 180 से कम होना चाहिए, 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, हमारे पास 180 से कम है, ये 107 इज लेस देन 180, तो इसका मतलब ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। सिमिलरली हमें बात करना है फिर वाई डायरेक्शन के अंदर, तो वाई डायरेक्शन में बस आपको डायमेंशन चेंज करना है भाई साहब, बाकी सारी चीज़ें वही रहेगी, बिल्कुल सम, ये बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है, ये बिल्कुल सेम रहेगा, बस ये जो है वैल्यू ये आपकी बदल जाएगी, दैट्स ऑल, हो जाएगा आपसे इतना, ठीक है ना, तो भाई साहब इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए, है ना, आगे बढ़ते हैं फिर अपन। सेम चीज़ आपको वाई डायरेक्शन में करनी है, हो जाएगी ना आपसे, यस और नो, या मैं करवाऊँ आपको अभी, और इस तरह से आपको चेक करना है कि भाई वो शेयर में फेल होगा या सॉरी, आपको जो चेक करना है कि भाई वो क्रैक होगा या नहीं होगा, ठीक है, हाँ, ये क्या कर रहे हो, इफ द दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 180, तो आपको क्या करना होगा, इसका सेंट जो डिस्टेंस है वो घटाना होगा, मतलब जो नंबर्स ऑफ बार है वो आपको यहाँ पर बढ़ाने होंगे, आपको नंबर्स ऑफ बार यहाँ पर इंक्रीज करने होंगे, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो टोटल डिस्टेंस था हमारा डिवाइड बाय नंबर ऑफ बार थे हमारे पास, नंबर ऑफ बार बढ़ा दीजिए आप, नंबर ऑफ बार बढ़ाओगे डायमीटर कम करना होगा, नंबर ऑफ बार जो है उसका डायमीटर कम कर दीजिए और नंबर ऑफ बार बढ़ा दीजिए, तो आपको ये प्रोसेस थोड़ी सी इस तरह से फॉलो करनी है ना, सिंपल है, तो एक दूसरे का जो उसका रिलेशन होता है ना बस उसके अंदर आपको आगे पीछे करना होता है, बाकी सारी चीजें सिंपल है ना। तो हमने यहां तक देखा कि फुटिंग के अंदर जो है किस तरह से आपको उसके डायमेंशन तय करने हैं, किस तरह से कहां से निकालने हैं, चाहे मोमेंट हो, चाहे वो नेट अपवर्ड प्रेशर हो, या फिर उसके चौड़ाई लंबाई या गहराई जो भी है वो निकाले, ठीक है, उसके बाद हमने रेनफोर्समेंट किस तरह से प्रोवाइड करना है वो निकाल लिया। अब बात आती है शियर चेक की, शियर इसके अंदर दो तरह के होते हैं, वन वे शियर और टू वे शियर, ठीक है, वन वे शियर क्या होता है, वन वे शियर को हम जो है बीम शियर भी कह सकते हैं, वन वे शियर जनरली एक प्लेन में एग्जिस्ट होता है, और वन वे शियर क्या करता है कि उसको उसके एक्सिस के अलोंग क्रैक करने की, रप्चर करने की कोशिश करता है, इससे आपका जो फुटिंग है वो उसके जो एक्सिस होता है, जो लोड एक्सिस होता है उसके अलोंग वो फेल होने के चांसेस होते हैं उसके, ठीक है, तो उसके लिए जो चेक होता है वो वन वे शियर चेक होता है, ठीक है, और टू वे शियर चेक क्या होता है, तो टू वे शियर चेक, टू वे शियर का मतलब होता है कि ये जो शियर होता है ये आपको, इसे पंचिंग शियर भी कह सकते हैं, इसे क्या कह सकते हैं, पंचिंग शियर भी कह सकते हैं, पंचिंग शियर क्या करता है, तो जो आपका कॉलम है ऊपर से आ रहा है उसे वो फुटिंग के अंदर, उसे वो पंचिंग करता है, फुटिंग के अंदर पंच करता है, ठीक है, वो क्या करता है, फुटिंग के अंदर उसे पंच करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसके अंदर पेनिट्रेट होने की कोशिश करता है, अगर वो फेल होता है तो, ठीक है, तो उसके लिए भी चेक करना होता है कि भाई वन वे शेयर के लिए ये सेफ है या नहीं, टू वे शेयर में ये सेफ है या नहीं, ठीक है, इसके बारे में और डिटेल में हम कल जानेंगे कि इसकी किस तरह से चेकिंग की जाती है, ओके, हाँ, डी बाय टू डिस्टेंस पर होता है वो, है ना, तो जो वन वे होता है वो डी डिस्टेंस पर होता है, ठीक है, और जो डी जो आपका टू वे शेयर होता है वो डी बाय टू डेप्थ पे होता है, ठीक है, ये आपको मैं आगे उसके बारे में डिटेल में बताऊंगा, तो वो कल की बात है, कल की क्लास में कुछ चीज़ें रखते हैं और कल हम जो है फुटिंग को कम्प्लीटली कम्प्लीट कर देंगे, ठीक है, उसके बाद हम जो है वाटर टैंक के चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ेंगे, है ना, तो आज मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से डिज़ाइन की जाती है फुटिंग की। यहाँ तक सर क्लास का टाइमिंग डेली इसी टाइम पर होता है,
बिल्कुल डेली जो है 9 o'clock का टाइमिंग है, और आपको अगर कुछ हो सकता है कहीं ना कहीं कभी कभी कुछ चेंज हो जाता है रेयरली कि भाई 8:30 बजे का, 8 बजे का या 9:30 बजे का, तो हमारे ग्रुप में अगर आप जुड़े रहोगे हमसे, चाहे वो हमारा चैनल हो, चैनल के अंदर जो कम्युनिटी पोस्ट है, कम्युनिटी टैब है, उसमें मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ। जब भी आज की क्लास होती है तो मैं आपकी क्लास के टाइमिंग आपको पहले ही बता देता हूँ, दोपहर को या शाम को 5 बजे तक आपको बता देता हूँ कि अपनी ये जो क्लास है वो इतने बजे होने वाली है। तो आपको क्या करना है, हमारे चैनल से अलर्ट रहना है, ट्यून रहना है। उसके लिए आपको क्या करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा और बेल आइकन को प्रेस करना होगा। बेल आइकन जब प्रेस करोगे तो नोटिफिकेशन की कुछ चीज़ें आती है कि भाई ऑल नोटिफिकेशन या ओकेशनल, तो आपको ऑल नोटिफिकेशन की दबाना है, ठीक है, मतलब सारे नोटिफिकेशंस में आपको मिल जाएगी, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा कि हमारी क्लासेस कौन सी कब है। ओके, व्हाट्सएप नंबर हमारे कम्युनिटी टैब में जाइए, वहाँ पर आपको व्हाट्सएप ग्रुप के वहाँ पर लिंक मैंने बाकायदा दे रखे हैं, तो उस ग्रुप के लिंक से आप हमें व्हाट्सएप में ज्वाइन भी हो सकते हो, ताकि आपको और अच्छी तरह से डिटेल सारी मिल पाए, अप टू डेट आप रहो, है ना। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, बहुत ज़्यादा आज बोल लिया मैंने फिर से, 1 घंटा 10 मिनट होने के आ रहे हैं, ठीक है, चलो खैर जो भी है। सो थैंक यू सो मच इस लाइव स्ट्रीम को, इस लेक्चर को अब तक देखने के लिए। कोई आपको प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो, ग्रुप में सवाल कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हो, ठीक है, बहुत सारे जरिए हैं जिससे आप हमसे सवाल पूछ सकते हो, है ना। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए तो आपको सारी लिंक वहाँ पर मिलेगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मुझे आप जाने की इजाज़त दे दीजिए, ताकि कुछ देर बाद में मैं और ऑटोकैड की क्लासेस को शुरू कर सकूं, है ना। ऑटोकैड की क्लासेस के अंदर हम एरिया कैलकुलेशन शुरू कर रहे हैं, तो एरिया कैलकुलेशन अगर आपको सीखना है तो आ जाइए ऑटोकैड क्लास के अंदर, है ना, 10:30 बजे के आसपास वो क्लास शुरू हो जाएगी, हो सकता है 10:30 के आसपास या फिर उसके आगे 10:45 भी हो सकते हैं आज, ठीक है। तो आप आ सकते हो। चलिए तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गुड नाइट, टेक केयर, स्वीट ड्रीम, बाय बाय, जय हिंद।